समझ में आया? हाँ और थोड़ी आप कोई तुमसे क्या मिलेगा रे तो कंफर्म ना वही लोग देखते बनाई भी नहीं है आंसर बोल दी। तुम लोग कैसे कैसे कर रहे हो? फोर सब सही है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? इसमें काम करेगा एम इक्वल टू एन बाई पी इन एम एल इन टू, यहां इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो एन का वैल्यू कितना आएगा? टू होगा ना। 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स बराबर 1 मोल, इसलिए 12.046 × 10^23 मॉलिक्यूल्स बराबर 2 मोल। बताने की जरूरत नहीं है। 2 × 1000 बाई कितना? 5 × 10। नहीं हुआ तो यहाँ लिख लेना, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं। तुम लोग महान आत्मा हो। हाँ महान आत्मा, महात्मा हुआ। टू कितना है? 2 मोल्स। ठीक है। ठीक
यार ऋतिक विपत्ति आ गया, इसके सर पे हाथ रखा हुआ एकदम पूरा है। वैसे भी क्वेश्चन देख करके विपत्ति आ जाता है, कंफर्म ना? चेंज मत होना बात। कितना आएगा? नहीं है, बनाई ठीक है। ठीक ठीक कितना आया? देखो क्या इस सब में टेंशन रहता है, इस सब का तो सीधा पुट फॉर्मूला गेट रिजल्ट है जी। एम इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू इंटू वन बाई वी इन मीटर। तो यहाँ पर क्या है, वेट दिया हुआ है 588, H2SO4 कितना बार निकाल चुके हो 98 बाय 1 बाय 0.5, 98 6 के 588 कितना हो गया 60/5, 12×5=60। फॉर्मूला वेट जो है कितने तरह का होता है? फॉर्मूला वेट कितने तरह का? कौन कौन? फॉर्मूला वेट कितने तरह का? तीन तरह का। कितना? वन एक तरह का फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट कितने तरह का? दो, क्योंकि एक बोला तुम दो, तुम दे तीन। हाँ एक दो तीन, कौन कौन बताओ? तुम बताओ। तुम बताओ, नहीं बताया है तब मॉलिक्यूलर वेट आया कि नहीं आया? दोनों सेम होता है, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर वेट, आयन में आयनिक वेट और एटम में एटॉमिक वेट। तो फॉर्मूला वेट कितने तरह का? तीन तरह का। जिस तरह से पार्टिकल तीन तरह का, एटम मॉलिक्यूल आयन, उसी तरह से फॉर्मूला वेट भी तीन तरह का। क्या रे तुम लोग क्या करता है, बकरी चराता है? हैं बताओ, घर पे बकरी कहां से आएगा? अब समझ में आ रहा है कि इस बार आईएएस में 1 to 10 में लड़कियां काहे थी हैं? एकदम तुम लोग बरकरार रखना इस चीज को, ठीक ना? तब ना हम चुल्लू भर पानी में रखेंगे अपना हाथ में, कहेंगे इन लोगों को तुम लोग। सही में ऐसा हो रहा है तो नहीं होगा, गा के गी पर हमको विश्वास होता ही नहीं है। कहता है जिस वाक्य के अंत में गा गी गी लगा रहे उसे फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बोलते हैं, और जो फ्यूचर टेंस में बोला उसका फ्यूचर खराब। जैसे होता है ना कि हम कर लेंगे, देखो उसका कभी नहीं होने वाला है एकदम। क्या कर रही हो? सर कर रहे हैं, देखो उसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में वो बात कर रही है, कर रहे हैं। सर कर लेंगे गा गी गी ठीक है।
इसको बनाओ तो समझ में आ जाएगा, हाँ अब तुम लोग सोच सकते हो। और ये क्वेश्चन मत पूछो, सरल ही नहीं है ये, सरल है। अरे डेंसिटी कितना है, डेंसिटी डी ग्राम पर सीसी, डेंसिटी को डिनोट किया है डी से, सब कुछ दे दिया है। x परसेंट w बाय w सॉल्यूशन है डेंसिटी डी ग्राम पर ml या पर सीसी। इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज mw, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर ऑफ सॉल्यूशन। सवाल सरल है, मतलब प्रोटीन, मतलब इतना सिंपल है, कहने का मतलब ये। खाली देखने में बड़ा दम लगता है। x dy 100 ऑलरेडी ने निकाली है, ये काट दें इसको। अच्छा तुम बताओ क्या बोले, टेन एक्स डी बाय 100 नहीं लोग, एनएक्स बाय एमडब्ल्यू, देखो वैरायटी ऑफ आंसर आ रहा है, डी चला गया कहां, तुम भी कुछ बोलिए तो काहे सोच रहे हो, बोलो बोलो क्या होगा, एनएक्स बाय डी, गजब का देखो एकदम, देखो एकदम एक मॉलिक्यूलर वेट को गायब कर दिया, एक डेंसिटी को गायब कर दिया हैं, तुम क्या की 10x by d, देखो मतलब एक मिनट, चलिए अब डेढ़ मिनट ले लीजिए, टेन एक्स डी बाई एम डब्ल्यू, देखो देखो एक्स वाई एम डब्ल्यू, एक्स वाई एम डब्ल्यू डी, बताओ पी डब्ल्यू डी तो सुनवो किए थे, एम डब्ल्यू डी नया चीज, देखो ये जिसका आंसर है सही है, देखिए सबसे पहला चीज इसका मतलब क्या होता है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन कितना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना है। और मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर, यही ना, मोल पर लीटर। हमको देखो तुम लोगों को क्या सिखाया है, बार बार हर दिन हर पल यही बात बोलते हैं कि जो पूछ रहा है
और जो दिया हुआ है दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहा है मोलरिटी, यानी हमको मोल पर लीटर चाहिए। अब दिया है ग्राम ऑफ सोल्यूट और ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स बाई एम डब्ल्यू गिवन वेट बाय फॉर्मूला विच ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन कितना में। तो अब ये ग्राम है, तो याद होगा तुम लोग बताए थे डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। ये सब भी लिख लेना साइड में, तब जाके समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 बाय डी। अब देखो ये ग्राम, ये ग्राम पर सीसी, ये ग्राम पर सॉरी ग्राम और ये ग्राम पर एमएल, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या होगा 100 बाय डी एमएल ऑफ सॉल्यूशन आ गया। जब इतना आ गया तो यहां से सीधा लिखो मोलरिटी बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल बाय वी इन एमएल इनटू 1000, यही ना। तो मोल आपने कितना निकाला है, एक्स अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1000 बाय वी, कितना निकाले हो 100 बाय डी, डी कहां चला जाएगा ऊपर, 20 कैंसिल, कितना आ गया 10 डी एक्स बाय एम डब्ल्यू, फॉर्मूला बन के तैयार। अगर डेंसिटी दिया हो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पुट फॉर्मूला गेट रिजल्ट। तो इतने वैरायटीज ऑफ आंसर आए, उसमें एक आंसर सही रहा। तुम्हारा प्रोसेस गलत होता है तो आंसर कैसे सही हो जाता है, ये वाला सही था। सब तो यूनिक बात है कि प्रोसेस, जैसे बहुत लोगों का क्या होता है कि प्रोसेस रहता है आंसर गलत होता है, इसका आंसर सही हो जाता है प्रोसेस ही गलत रहता है। सो तो है, ये तो मानते हैं। मेरे मैट्रिकुलेशन के गुरुदेव थे, वो मेरे पिताजी को भी पढ़ाए थे, चाचा को भी पढ़ाए थे, भैया को भी पढ़ाए, उनको जब गए पढ़ने के लिए तो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे मेरे चाचा जी को लेकर के, बोले कि जो देखो इसको पहचान रहे हो, इसके चाचा बहुत 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 ही ब्रिलियंट, उनका नाम पंकज था, बोले पंकज को दुनिया का कोई प्रॉब्लम दे दो, दुनिया का, इंडिया छोड़ दो, दुनिया का कोई प्रॉब्लम दे दो तुरंत बना देता था, बसरते उसका एक कोठों का आंसर नहीं मिलता था। ठीक है, अब बड़ा ही सुन लो, कितना बढ़िया जबरदस्त किए। तो वहां तो हमको समझ में आया कि हाँ प्रोसेस में था, भले आंसर गलत हो गया, तो इसका तो उल्टा है, आंसर सही हो जाता है प्रोसेस ही रॉन्ग। वो लगता है तुक्का लगाता होगा, इसको उससे मल्टीप्लाई, उसको उससे मल्टीप्लाई करके अपना बोल दिया, चारों को पांचों में कोई ना कोई सही होगा, नहीं एक बार बड़ा प्रोसेस बनाया था ना। दे रहे हैं क्वेश्चन, आज मोलरिटी अभी तक दिक्कत नहीं हुआ कहीं, सब में दिक्कत नहीं था आगे तो और दिक्कत नहीं।
मोल के बाद वही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आएगा, कौन स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टोइकोमेट्री, अभी लेट है उसमें, जैसे इसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ होगा, अभी तुमको बहुत लंबा चैप्टर है ये, अगर अगर कमांड करना है फिजिकल केमिस्ट्री पे तो यस यही सब चीज तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखते होगी, तो वहां पर क्या होता है कि वहां डायरेक्ट शुरू कर देता है स्टोइकोमेट्री से, या मूल कंसेप्ट सीधा बताया, स्टोइकोमेट्री बता दिया, काम खत्म, तो बाद में बच्चा जब क्वेश्चन बनाने बैठता है तो ऐसे ही दिखते रहता है, उसको बनता है ये नहीं है, है ना, तब अब सोच लो तो क्या बनेगा बच्चा सबसे। अच्छा वहां पर क्या करता है कि टीचर कुछ प्रॉब्लम है उसका बनवा दिया तो बच्चा को लगा के चलो समझ में आ गया सब कुछ, और जब अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो फंस जाएगा, इसीलिए कंसेप्ट डेवलप करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। अब जैसे देखो सिंपल सी बात है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन लिखेगा और सीधा आंसर दे दिया ये, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डेंसिटी वाला तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, तो चीज तो वही है, बन तो जाएगा ही सवाल जैसे देंगे फट से लगा देंगे, लेकिन कहां लगाना है कैसे लगाना है वो फंस जाएगा। नहीं कर सकते, वही तो है, एक्स कब वेट है जब परसेंटेज में हो, 100 ग्राम में, जैसे मान लिया कि जो 40 ग्राम 200 में डिजोल्व है तो वहां पर हमको एक्स का वैल्यू कितना यूज करना पड़ेगा, 20। यही चीज बोले कि यही चीज सब बताता नहीं, अभी हम यही बात बताने वाले हैं तुमको कि ये एक्स जो है वो हमको कब लेना है, आउट ऑफ 100। हाँ जैसे 40 ग्राम डिजोल्व है 20 ग्राम में, तो यदि 40 ग्राम डिजोल्व है 200 ग्राम में, तो 200 में 40, 100 में कितना हुआ 20, तो 20 यहाँ पे यूज करेंगे एक्स का वैल्यू, समझा गया ये चीज। तो यहां पर लिख लेना क्या, नोट, एक्स इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना में, 100 ग्राम ऑफ इट्स सॉल्यूशन, ये हमेशा ध्यान रखना, कोई मत यूज कर देना। ठीक है आज बस यहीं पर रहने दीजिए, जान के छोड़े हैं यहाँ पे कोई कैसे क्यों, अगले दिन जब आएंगे तो इसी पर सवाल देंगे, ठीक है, नहीं क्वेश्चन देंगे वैसे भी मेरा जब ये पड़ जाता है उसके बाद बंद। क्या बोल रहा है, इस चीज का साइन है, कहता है कि जो मिथिला के लिए, मिथिला में फीस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, देखो फीस, बर्थ टू डेथ, हर ओकेजन में इसको यूज करते हैं लोग, पूरा एकदम गिरल रहते हैं, इधर कहाँ भगा दिए।